सभी दर्शकों को 74वें गणतंत्र दिवस की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। ग्लोबल आर्थिक चुनौतियों के बीच दुनिया में भारत का रुतबा बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। आत्मनिर्भर थीम पर चल रहे बाजार में मौकों की कोई कमी नहीं है, और देखा जाए तो इनमें निवेश से न सिर्फ आपके पोर्टफोलियो को मिल सकेगा स्वदेशी फील, बल्कि देश की ग्रोथ स्टोरी में भागीदार भी हो सकेंगे। और इसी उद्देश्य से हम लेकर आए हैं ये खास शो, जहां मार्केट के दिग्गज एक्सपर्ट्स आपको बताएंगे मेड इन इंडिया शेयर। तो चलिए, इस खास मौके पर आज हमारे साथ जो एक खास पैनल जुड़ा है विशेषज्ञों का, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। सारे आपके जाने माने चहेते एक्सपर्ट्स हैं। हमारे साथ हैं राकेश बंसल वेंचर्स के राकेश बंसल जी, चॉइस ब्रोकिंग के सुमित बगड़िया जी भी आज हमारे साथ हैं, सेठी फिनमार्ट के विकास सेठी, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज के अविनाश गुरक्षकर सर भी आज हमारे साथ इस मौके पर जुटे हैं आपको बताने के लिए धमाकेदार मेड इन इंडिया शेयर। सबसे पहले तो हमारे सभी गेस्ट को बहुत बहुत बधाइयाँ गणतंत्र दिवस की। और चलिए, सबसे पहले सेठी सर, हम आप ही के साथ शुरुआत करेंगे एज यूजुअल। बताइए सर, कौन सा ऐसा शेयर लेकर आए हैं जो भारत की ग्रोथ स्टोरी को ही नहीं, हमारे दर्शकों के पोर्टफोलियो को भी इलेक्ट्रिफाई कर देगा? बिल्कुल नेहा, सबसे पहले तो आपको, कुणाल जी को, सुमित जी को, अविनाश जी को और जी बिजनेस के लाखों करोड़ों दर्शकों को मेरी ओर से गणतंत्र दिवस की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। और बहुत ही शानदार थीम चूज किया है सही समय पे, जब पूरी इंडिया पूरी दुनिया में छाई हुई है, और वहां पे मेड इन इंडिया स्टॉक्स को आपने चूज किया। और आज जो हम स्टॉक्स देने वाले हैं सभी को, मेरा ये मानना है ये सब स्टॉक्स ओवर द नेक्स्ट वन ईयर बहुत अच्छा करेंगे। तो मेरा जो आज का पहला स्टॉक है, एक जबरदस्त कंपनी है, स्टॉक का नाम है टेक्नो इलेक्ट्रिक। ये एक जबरदस्त कंपनी है जो कि मेनली पावर इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को कैटर करती है, जहां पे ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट्स करती है, फिर स्मार्ट मीटरिंग सॉल्यूशन में भी ये कंपनी प्रेजेंट है, मतलब स्मार्ट मीटर्स लगाने का कारोबार करती है। और हाल ही में इनको अच्छे खासे ऑर्डर्स मिले हैं, जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट से भी एक जो नया टेंडर हुआ उसमें भी एल1 रही है। फिर फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन, ये एक सेगमेंट है जहां पे ये कंपनी काम करती है, और वहां पे ट्रिमेंडस अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है। और उसके अलावा इस कंपनी के पास 5,000 करोड़ के आसपास के ऑर्डर्स है स्मार्ट मीटर्स में। फिर रिन्यूएबल एनर्जी का बहुत अच्छा बड़ा कारोबार है 130 मेगावाट का, और अब ये कंपनी डेटा सेंटर के कारोबार में उतरने जा रही है, जहां पे ट्रिमेंडस अपॉर्चुनिटीज है। इनका एक 40 मेगावाट का डेटा सेंटर चेन्नई में जल्दी ही खुलने जा रहा है, और वो चूंकि उनकी खुद के पास रिन्यूएबल एनर्जी है, वहां से ये कुछ 40-50 मेगावाट इस डेटा सेंटर के लिए काम में लेंगे। तो ESG कंप्लायंट डेटा सेंटर है, तो जितनी दिग्गज कंपनियां जैसे माइक्रोसॉफ्ट है, गूगल है, अमेजोन है, उन सबको ये कैटर कर सकती है। फिर इस सेगमेंट में इनका 250 मेगावाट तक 2030 तक जाने का प्रोग्राम है, 15,000 करोड़ का बड़ा निवेश करने जा रही है। तो मुझे लगता है ट्रूली एक बहुत ही अच्छी ग्रोथ दर्ज करने वाली ये कंपनी होने वाली है आने वाले सालों में, जबरदस्त फंडामेंटल्स है। मुझे लगता है इस स्टॉक को करंट लेवल्स पे बिल्कुल खरीदना चाहिए, 500 रुपए के मेरे इसमें 9 से 12 महीने के टारगेट। चलिए, तो हमारे शो मेड इन इंडिया शेयर की आप कह सकते हैं शुभ शुरुआत हो चुकी है विकास सेठी सर के पिक की ओर से, और टेक्नो इलेक्ट्रिक सबसे पहली पिक निकल कर आ रही है। अविनाश सर के पास चलते। सर देखिए, भारत की तो रीच कहाँ नहीं पहुंच गई है, लेकिन अब ये समझना जरूरी है कि हम मेड इन इंडिया स्टोरी पर जो फोकस कर रहे हैं उसके जरिए कैसे कमाई की जाए। तो आज आपकी तरफ से पहली पिक कहाँ से आ रही है? गुड मॉर्निंग नेहा, और गुड मॉर्निंग टू ऑल द यू नो पैनलिस्ट, सभी को गणतंत्र दिवस के शुभकामनाएं। मेरा जो स्टॉक है वो नेहा डिफेंस के सेक्टर से आता है, क्योंकि डिफेंस में मेक इन इंडिया का जो थीम है वो पहले से अच्छी तरह से चला है, और यहाँ पे जो कंपनी हमको पसंद है उसका नाम है गार्डन रीच एंड शिप बिल्डर्स लिमिटेड। मुझे लग रहा है कि देखिए, इस कंपनी की ऑर्डर बुक की बात करें तो बहुत ही दमदार ऑर्डर बुक है, करीबन 23,000 करोड़ की ऑर्डर बुक है। L2 ऑर्डर्स और L1 ऑर्डर्स की बात करें तो इनके पास करीबन 8 से 9 हज़ार करोड़ के ऑर्डर्स पेंडिंग है, जो आने वाले 6-8 महीने में यू नो मटेरियलाइज होंगे। सबसे बड़ी बात हमको लग रहा है कि जिस प्रकार का इनका मटेरियल एक्सपर्टाइज है और जिस प्रकार की स्केलेबिलिटी इन्होंने बिजनेस में खड़ी कर दी है, मरीन इन्वेस्टमेंट्स बहुत ही तेजी से पिछले 2-3 साल से बढ़ रहे हैं, आगे भी हमको लग रहा है कि आने वाले बजट में मरीन सेक्टर को लेके गवर्नमेंट बड़े अनाउंसमेंट्स करेगी, तो इसका फायदा कंपनी को जरूर मिलेगा। और अर्निंग्स की बात करें नया, तो मुझे लग रहा है कि इस साल कम से कम 55-56 रुपए की अर्निंग आएगी, और FY24 के लिए करीबन यू नो 67-68 रुपीज की अर्निंग्स आएगी। तो ऑर्डर बुक विजिबिलिटी FY27 के लिए रेवेन्यू ग्रोथ देगा,
तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से स्टॉक अभी भी काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। इनफैक्ट करंट प्राइस 485 है, जो करीबन यू नो 10 के पी के नीचे मिल रहा है। डिफेंस कंपनीज में हमने देखा है कि जैसे जैसे ऑर्डर बुक बढ़ती है री रेटिंग स्टॉक में होता है, तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि अगर 6 to 12 मंथ्स का नजरिया किसी का है तो कम से कम 600 रुपए का टारगेट प्राइस पॉसिबल है, तो यहाँ पे डेफिनेटली एक निवेश का मौका बनता है। तो ये मेरी तरफ से पहली पिक। ओके, तो अविनाश सर की तरफ से गार्डन रीच पर है भरोसा, टारगेट 600 का और समय देना होगा 12 महीने का। अब आते हैं सुमित जी की तरफ। सुमित बगड़िया जी, मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आपका। हम देख रहे हैं कि भारत हर क्षेत्र में, हर सेक्टर में अपना लोहा मनवा रहा है, तो जरा बताइए कि अब आपके पास कौन सा ऐसा सेक्टर है या आपके पास ऐसा कौन सा अनमोल रतन है जो कि मेड इन इंडिया शेयर है और पोर्टफोलियो को चमका देगा। सभी को रिपब्लिक डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और इस रिपब्लिक डे से अगले रिपब्लिक डे तक जो स्टॉक्स मैंने चुने हैं, मैंने दिग्गज स्टॉक्स चुने हैं नया, और यहाँ पर जो स्टॉक अभी हमने चुना है वो है एलएनटी। एलएनटी के अंदर मेरे को लग रहा है कि आने वाले समय में बहुत बढ़िया और बहुत बड़ी तेजी देखने को मिलेगी। एलएनटी के अंदर एक तेजी का ट्रेंड स्टार्ट हुआ है, कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया है। ये स्टॉक मुझे लगता है कि यहाँ से कम 10-20% का मूव आने वाले कुछ ही महीनों के अंदर यहाँ से ऊपर की तरफ दिखाएगा। 2100-2150 के बीच में एलएनटी के अंदर खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। यहाँ से अगर कोई भी डिप आता है तो खरीदारी करें, एग्जिस्टिंग पोजीशंस होल्ड रख के चले, और आने वाले कुछ महीनों के अंदर 2300 का इसका पहला टारगेट बनेगा, 2500 का इसका दूसरा टारगेट बनेगा। ये मेरे कंजर्वेटिव टारगेट है, मैं और भी ऊपर के लेवल इस स्टॉक के अंदर एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, बट फिलहाल कुछ महीनों के लिए एलएनटी में खरीदारी करें 2300 से 2500 के टारगेट्स के। एक कंजर्वेटिव टारगेट्स हैं जो यहाँ पर सुमित जी दे रहे हैं एलएनटी में 2300 एंड इवेंचुअली 2500, और वो मानते हैं कि यहाँ से मजबूती और जारी रहेगी, तो 12 महीने के टाइम फ्रेम में एलएनटी आपके पोर्टफोलियो में जरूर होने चाहिए। चलिए बंसल सर के पास चलते। बंसल सर, भारत की ग्रोथ स्टोरी पर किसी को भी अब कोई शक नहीं रह गया, हम बड़ी तेजी से प्रगति कर रहे हैं, आपका भरोसा किस शेयर के साथ है? आपको देख के ना बिल्कुल नया फीलिंग आ रही है, जैसे कि आप आजादी की लड़ाई से आ रहे हो, मनोज कुमार, दिलीप कुमार, इनकी मूवीज की बिल्कुल वैसा वाला फील आ रहा है। तो आप देखें तो सुमित जी भी भूल गए, नहीं तो वो तो हाथ जोड़ के एकदम विश करते हैं, उन्होंने भी अपने अभी तक अंदाज में करा नहीं, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ शो खत्म होने से पहले वो करेंगे। तो आप तो आपको देख के बिल्कुल वो फील आ रहा है। तो रिपब्लिक डे की ना हर एक को हार्दिक शुभकामनाएं। और नया जो मेरा मेड इन इंडिया वाला जो पहला स्टॉक है वो है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, IOC। अगर आप देखें तो भारत की सबसे बड़ी रिफाइनरी है और इंडिया का 32% रिफाइनिंग कैपेसिटी ये कंट्रोल करता है, और बाकी कंपनीज अगर आप HPCL BPCL से कंपेयर करें तो ओनली ऑयल मार्केटिंग कंपनी मिलेगा जो कि बुक वैल्यू से डिस्काउंट पे चल रहा है, एक अच्छे खासे डिस्काउंट पे चल रहा है। इसका डिविडेंड यील्ड भी 10% का है, और इसका अगर आप अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डेप्रिसिएशन लास्ट ईयर का देखें तो 50,000 करोड़ इसने बनाया था लास्ट ईयर का, तो सब्सटेंशियल डिस्काउंट पर है। एक री रेटिंग का प्रबल दावेदार है, और आज की मार्केट की वीकनेस पर भी देखें तो अभी तक कुछ वीकनेस देखने को नहीं मिल रही है, तो बहुत ही कंजर्वेटिव टारगेट दे रहा हूं मैं 115 रुपए का। ये टारगेट मतलब कि मुझे लगता है 6 महीने में देखने को मिलेंगे। 72 रुपीज पे एक स्टॉप लॉस लगाएं, और IOC पर मेरी खरीदारी की राय है। पहला मेरा स्टॉक IOC है जहां मुझे लगता है कि एक अच्छी खासी बड़ी रीरेटिंग देखने को मिलेगी। चलिए तो बंसल जी की तरफ से पहली मेड इन इंडिया शेयर IOC, और 6 महीने के टाइम फ्रेम में 115 तक जाने का दमखम रखता है, लेकिन एहतियातन आप यहाँ पर 72 का स्टॉप लॉस जरूर रख लें। वापस लौटते हैं सेठी सर की तरफ। सेठी सर, आपने टेक्नो इलेक्ट्रिक पर अपना भरोसा सबसे पहले जताया, अब जरा बताइए कि कहाँ पर आपको क्रांति लाता हुआ स्टॉक दिखाई दे रहा है जो हमारे दर्शकों के लिए काफी फायदेमंद साबित होगा। बिल्कुल, आपने नया सही शब्द यूज किया, क्रांति। जो स्टॉक मेरा है वो उस सेक्टर से है जहां हमने दुनिया भर में क्रांति लाई है, दुनिया भर में झंडे गाड़े हैं। IT सेक्टर का स्टॉक है, एक मिड कैप IT स्टॉक है, स्टॉक का नाम है जेनसर टेक्नोलॉजीज। ये हर्षवर्धन गोयनका ग्रुप की कंपनी है, अब बहुत ही जबरदस्त कंपनी है जो कि मेनली BFSI, फिर क्लाउड, एडवांस्ड इंजीनियरिंग, डेटा और प्लेटफॉर्म्स, इन सब सेगमेंट में काम करती है। बहुत ही ट्रिमेंडस अपॉर्चुनिटी वाले सेक्टर्स है, और इस कंपनी की दुनिया की लीडिंग कंपनी जैसे माइक्रोसॉफ्ट है, एडोब है, अमेजॉन, गूगल, इन सब के साथ क्लाउड कंप्यूटिंग के लिए पार्टनरशिप है। फिर आपके एंटरप्राइज एप्लीकेशन के लिए ओरेकल और सैप के साथ पार्टनरशिप है, तो इन तरह की कंपनियों के साथ इस कंपनी की पार्टनरशिप है। हाल ही में इसके नतीजे आए थे, परसों नतीजे आए, नतीजे इस तिमाही के बेहद ही दमदार थे, और हम देख भी रहे हैं कि जो भी नतीजे आ रहे हैं IT सेक्टर से, चाहे वो बड़ी लीडर कंपनी से या मिड कैप कंपनी से, सबके अच्छे नतीजे आ रहे हैं, तो उनको भी देखते हुए प्लस सेक्टर बहुत पिटा हुआ है, उस लिहाज से भी मुझे लगता है बिल्कुल खरीदारी करने का मौका है। और हाल ही में इस कंपनी का एक नया CEO
आने वाला है, आप ज्वाइन करने वाले हैं, मिस्टर मनीष टंडन, जो कि इंफोसिस में 20 साल का एक बहुत ही वैल्यूएबल एक्सपीरियंस ओन करते हैं। मुझे लगता है ये कंपनी इज जस्ट डेस्टिन्ड टू गो मच हायर, मुझे लगता है बहुत अच्छी दर से आने वाले सालों में ग्रो करेगी, और वैसे भी FISGIS का भी अच्छा खासा इसमें भरोसा है, 21-22% स्टेक ओन करते हैं, जिसमें निपोन है, HDFC वगैरह है, अच्छी डिविडेंड यील्ड है। तो इस स्टॉक में करंट लेवल्स पे खरीदारी करने की सलाह, 325 का मेरा 9-12 महीने का टारगेट। ओके, ज़ेंसार टेक 325 का लक्ष्य, और साल भर में आपको ये जबरदस्त टारगेट देखने को ज़ेंसार टेक में मिल जाएगा। अविनाश सर, अब आप पर आते हैं, बताइए आप कौन से मेड इन इंडिया स्टॉक के दम पर या भरोसे पर हमारे दर्शकों के पोर्टफोलियो को चार्जअप करने वाले हैं? नया दूसरा स्टॉक जो मुझे पसंद है वो एक वेल नोन बैटरी प्लेयर है, कंपनी का HBL पावर सिस्टम्स। ये कंपनी बेसिकली डिफेंस, रेलवेज और टेलीकॉम सेक्टर को बहुत बड़ी मात्रा में प्रोडक्ट सप्लाई करती है, और सबसे बड़ी बात डिफेंस को तो ये जो टैंक्स होते हैं, एयरक्राफ्ट होते हैं, वहाँ पे यू नो ये अपनी बैटरी सप्लाई करते हैं। सबमरीन का काफ़ी बड़ा एक्सपोजर है। इनफैक्ट कंपनी का करंट ऑर्डर बुक करीबन 800 करोड़ है, और हमको लग रहा है कि जिस प्रकार की टेक्नोलॉजी यूज करते हैं और जिस प्रकार की अपॉर्चुनिटी, यहाँ पे ग्रोथ पोटेंशियल काफी स्ट्रांग है। इनफैक्ट रेलवेज में भी इनको अभी एक रिसेंट ऑर्डर मिला है, जो ट्रेन कोलिजन सिस्टम्स का एक नया सॉफ्टवेयर इन्होंने डेवलप किया है, कवच, इसके लिए भी इनके पास करीबन 300 करोड़ के ऑर्डर है। तो रेलवेज में कोई भी बड़ा अनाउंसमेंट बजट में आता है तो हमको लग रहा है कि इसका फायदा कंपनी को जरूर मिलेगा। पिछले साल 1250 करोड़ पे इन्होंने 95 करोड़ का प्रॉफिट किया था, हमको लग रहा है इस साल कम से कम 125-130 का प्रॉफिट आएगा। वैल्यूएशन अभी भी बहुत सस्ते हैं, और हमको लग रहा है ये काफी अच्छा डीप वैल्यू स्टॉक है, जहां पे साल भर का अगर नजरिया कोई करता है तो करीबन 160-165 का टारगेट प्राइस मिल सकता है। तो ये मेरी तरफ से दूसरी पिक। HBL टार में है फोकस, और 12 महीने के टाइम फ्रेम में 165 तक का लक्ष्य छूने का दमखम ये स्टॉक रखता है। सुमित जी के पास चलते हैं। सुमित जी बताइए, हमारे साथ सिर्फ हमारे एग्जिस्टिंग व्यूअर्स ही नहीं है, कुछ ऐसे भी लोग हैं, दर्शक हैं, जो पहली बार यहाँ निवेश कर रहे हैं, तो कैसे निवेश की गाड़ी को, मुनाफे की गाड़ी को आगे बढ़ाया जाए, आपका अगला भरोसा कहाँ पर है? बिल्कुल आपने सही कहा नया, हर लेवल पे हर रोज नए निवेशक जुड़ रहे हैं मार्केट में और नए निवेशक आते हैं, तो उनको अच्छे और क्वालिटी स्टॉक्स पे ध्यान देना चाहिए और लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना चाहिए। और इंडिया की ग्रोथ स्टोरी ऑटो सेक्टर के बिना कैसे चलेगी? ऑटो सेक्टर के दम पे चलेगी और ऑटो सेक्टर के ऊपर चलेगी। तो ऑटो सेक्टर मुझे लगता है कि जो नेक्स्ट सेक्टर है जो यहाँ से परफॉर्म करेगा और आने वाले 3-6-9 महीने के अंदर एक बढ़िया मूव ऊपर की तरफ दिखाएगा। ऑटो सेक्टर में जो स्टॉक मैंने आज चुना है वो है बजाज ऑटो। बजाज ऑटो अभी कंसोलिडेट कर रहा है, इसका कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट बहुत जल्दी आएगा और बजाज ऑटो यहाँ से एक बढ़िया मूव ऊपर की तरफ दिखाएगा। अभी फिलहाल इसकी कंसोलिडेशन की जो रेंज बनी हुई है वो नीचे में 3500-3450 और ऊपर के अंदर 3800 की बनी हुई है। मेरे को लग रहा है कि ये अपसाइड ब्रेकआउट जल्दी ही देने वाला है, तो कोई भी डिप अगर इस स्टॉक में आता है प्रेजेंट लेवल से तो इस डिप में इसमें खरीदारी करें, एग्जिस्टिंग पोजीशंस होल्ड रख के चले। यहाँ पे CMB पे भी अगर खरीदारी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। बजाज ऑटो आने वाले कुछ महीनों के अंदर 4000 के लेवल तो दिखाएगा ही दिखाएगा और ये लेवल ब्रेक करेगा, और उसके बाद 4150 के लेवल भी बजाज ऑटो में ऊपर की तरफ देखने को मिलेंगे। जब ये ग्रोथ स्टोरी के अंदर मोमेंटम स्टार्ट होगा सेक्टर का, तो ये 4150 के लेवल टूट के और भी ऊपर का मूव आएगा। बट फिलहाल थोड़ा छोटे टारगेट्स को अगर ध्यान में रखें तो 4000 से लेके 4150 के टारगेट्स के लिए बजाज ऑटो में खरीदारी करें, पेशेंस रखें। अभी स्टॉक फर्स्ट और सेकंड गियर पे चल रहा है, जैसे ये थर्ड और फोर्थ गियर पकड़ेगा तो एक रफ्तार आएगी और स्टॉक के प्राइसेस में एक अच्छा मूव ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा। खरीदारी करें बजाज ऑटो। ग्रोथ स्टोरी में ऑटो सेक्टर का योगदान और दर्शकों के पोर्टफोलियो में बजाज ऑटो एक दमदार गाड़ी की तरह आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा, लेकिन समय देना होगा, साल भर तो आपको लगेंगे 4000-4150 के लेवल देखने में। आइए अब बारी आती है बंसल सर की। बंसल सर, आपने पहली पिक अपनी IOC दी, अब और कैसे एनर्जी भरी जाए हमारे दर्शकों के पोर्टफोलियो में? देखिए नया, ठीक पकड़ा आपने। देखिए एनर्जी के लिए तो देखिए नेचुरल गैस, LPG, सिटी गैस बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है और सब देता है गेल। तो जो दूसरा मेरा पिक है वो गेल है। गेल मुझे क्लियर कट री रेटिंग का कैंडिडेट लग रहा है, 6.5% की डिविडेंड यील्ड है और फंडामेंटल्स एकदम बढ़िया है। IGL, MGL में भी स्टेक होल्ड करता है। अगर बोलने लगो तो नया की पूरा ये जो शो है टाइमिंग उसका कम पड़ जाएगा। इसके लिए बेहतरीन फंडामेंटल है, बेहतरीन टेक्निकल है, चार्ट पर एक क्लियर कट रिवर्सल है। मैं तो यहाँ पर 90 रुपीज के स्टॉप लॉस के साथ 150 के टारगेट दे रहा हूँ, बट मेरा मानना है कोई इसको 2-3 साल के लिए होल्ड करता है
तो 300 रुपए के लेवल भी गेल पे मुमकिन है, रीरेटिंग का कैंडिडेट है। और एक डिस्क्लेमर है नया कि इसको रिसेंटली मैंने निचले लेवल्स पे ऐड करा हुआ है, और अगर ये मार्केट में थोड़ी बहुत करेक्शन इसके अंदर और आती है तो मैं फर्दर ऐड करूंगा, और मेरा व्यू यहाँ लॉन्ग टर्म का है, 2 से 3 साल का। ओके, 2 से 3 साल के लिहाज से गेल को लेकर चले, ये जबरदस्त बुलिश व्यू गेल पर आ रहा है बंसल सर की तरफ से। और फिलहाल का जो टारगेट है 150 का है, और स्टॉप लॉस एहतियातन तौर पे 90 का बरत के जरूर चलें। सेठी सर बताइए, आपने दो बेहतरीन पिक्स दी है, अब एक आखिरी मेड इन इंडिया शेयर हम आपकी तरफ से जानना चाहेंगे जो चमका के रख दे हमारे दर्शकों के पोर्टफोलियो को। हाँ बिल्कुल नेहा, जो मेरा आज का तीसरा स्टॉक है, स्टॉक का नाम है केरिसिल, पहले इसका नाम एक्रिसिल होता था। एक जबरदस्त कंपनी है जो मेनली क्वार्ट्ज किचन सिंक की के लिए जानी जाती है, दुनिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर्स है। इसके अलावा कई सारे और किचन अप्लायंसेस जैसे हॉब्स है, कुकटॉप्स है, ओवन्स है, डिशवॉशर, ये सब बनाती है। इन्होंने का आईकिया के साथ भी टाई अप है, आईकिया के स्टोर्स में भी इनके प्रोडक्ट्स मिलते हैं। जबरदस्त फंडामेंटल्स है, अच्छे रिटर्न रेशियोज है, रिटर्न ऑन इक्विटी क्लोज टू 25%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 30%, और अच्छी खासी फंड्स की भी हिस्सेदारी है इसमें। सुनील सिंघानिया का एबेकस फंड भी अराउंड 6.15% स्टेक ऑन करता है। स्टॉक अपने हाइट से पिटा हुआ भी है, मुझे लगता है करंट लेवल्स पे खरीदना चाहिए। मेरा इसमें 9 से 12 महीने का टारगेट है 575 रुपए के, 575 तक जाने का दमखम कैरेसिल यहां पर रखता है। कुछ समय आपको यहां पर डेफिनेटली देना होगा, कमाई तो यहां पर बेहतरीन होती हुई नजर आ रही है, इसका भरोसा है सेठी साहब को। अविनाश सर बताइए, गार्डन रीच और एचबीएल टावर के बाद आपकी नजर, आपका भरोसा कौन से मेड इन इंडिया स्टॉक पर है? नया जो आखिरी स्टॉक मेरा जो पसंदीदा है वो है किर्लोस्कर न्यूमैटिक। ये एक कैपिटल गुड्स का एक फ्रंटलाइन प्लेयर है जो एयर कंप्रेसर्स और एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम बना। सबसे बड़ी खासियत इनके प्रोडक्ट्स काफ़ी वेल एस्टेब्लिश्ड है, काफ़ी सेक्टर्स में यूज़ होता है, जैसे फर्टिलाइजर्स है, सीमेंट है, स्टील है, प्रोसेस इंडस्ट्रीज है। तो इनकी ऑर्डर बुक पिछले साल के हिसाब से काफ़ी अच्छी है, ऑलमोस्ट डबल हो चुकी है। कंपनी का मानना है कि नए सेक्टर्स जो अभी हाइड्रोजन आ रहे हैं वहाँ पे भी इनके लिए अपॉर्चुनिटी काफ़ी बड़ी है। हमको लग रहा है कि आने वाले साल में करीबन 1250-1300 करोड़ का रेवेन्यू आएगा, जो अगले 2 साल में 2000 करोड़ होने की पोटेंशियल रखता है। और इस साल कम करीबन 17-18 रुपए की अर्निंग रिकॉर्ड करेगी, जो आने वाले 1-2 साल में कम से कम 24-25 रुपए तक जाने की दमखम रखता है। सबसे बड़ी बात, एयर कंप्रेसर और एयर फ्रिजन हर सेक्टर में लगे जाते हैं, तो डाइवर्सिफिकेशन और जो कस्टमर बेस है ये इनको काफी मदद करेगा। हमारा मानना है कि इस लेवल से अगर कोई खरीदता है तो कम से कम 650 का टारगेट प्राइस अगले 6 से 12 महीने में आपको मिलेगा, तो ये डेफिनेटली एक अच्छा विकल्प हो सकता है फ्रॉम अ 1 ईयर परस्पेक्टिव। तो ये मेरी तरफ से तीसरा पिक। ओके, तो किर्लोस्कर न्यूमैटिक पर है भरोसा, साल भर रखिए अपने पोर्टफोलियो में और चमका दीजिए अपने पोर्टफोलियो में होने वाली ग्रोथ को, प्रॉफिट को। सुमित जी आपने दो बेहतरीन पिक्स दी हैं, अब बताइए तीसरी पिक आपकी किस क्षेत्र से आ रही है, कौन सा स्टॉक होगा? नया इस ग्रोथ स्टोरी में जो रिलाय करेगा या वो मार्केट से पैसा बनाएगा, तो जब रिलाय करना है तो रिलायंस को क्यों ड्रॉप करना है? तो मेरे को ऐसा लगता है कि इस ग्रोथ स्टोरी में रिलायंस के अंदर खरीदारी करना है, रिलायंस पे नजर रखना है। और रिलायंस का एक बहुत बढ़िया चीज है, रिलायंस 8-10 महीने तक एक चैनल में, एक रेंज में ट्रेड करता है, फिर 1-2 महीने के अंदर ही वो 10-20% का मूव दिखाता है। ये दूसरी बार वापस ऐसा हो रहा है जब रिलायंस पिछले 8-10 महीने में एक चैनल में, एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। ये चैनल का लोअर बैंड है 2300-2350, इसका अपर बैंड है ऊपर के अंदर 2750-2800 के आसपास। ये अपर बैंड टूटने के बाद 300-400 पॉइंट का मूव और ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा। फिलहाल तो मैंने अपर बैंड तक के ही टारगेट दिए हैं। रिलायंस के अंदर खरीदारी करें, जिन्होंने पोर्टफोलियो में पेशेंटली इसको होल्ड करके रखा हुआ है अभी और होल्ड करें, बहुत जल्दी इसके अंदर ऊपर का मूव आएगा और चैनल ब्रेकआउट आएगा। अभी ऊपर के जो टारगेट बनते हैं 2600 का पहला टारगेट बनेगा, 2750 का दूसरा टारगेट बनेगा, 2390 का अभी इसका भाव चल रहा है। कोई भी 50-60 रुपए का गिरावट आता है लोअर लेवल्स पे खरीदारी करें, चैनल का लोअर बैंड होगा, अपर बैंड 2600 और 2750 ये टारगेट होंगे, जल्दी ही देखने को मिलेंगे 3-6 महीने के अंदर। और 2750 का लेवल टूटने के बाद 3000+ के लेवल रिलायंस में देखने को मिलेंगे। तो मेरी तरफ से रिलायंस। ओके, तो लंबी रेस का घोड़ा मेड इन इंडिया स्टॉक, रिलायबल स्टॉक ऑफ कोर्स, और यहां पर अलग अलग टाइम फ्रेम में आपको बेहतरीन प्रॉफिट कमाकर देने का दमखम रखता है, और 3000 के पार के भी लेवल का भरोसा सुमित जी को यहाँ पर दिखाई दे रहा है। बंसल सर बताइए, अब आपकी आखिरी पिक किस सेक्टर से आ रही है, कहाँ आपको लगता है कि मेड इन इंडिया की ग्रोथ स्टोरी सबसे बेहतरीन है? देखिए नेहा, जो मेरी लास्ट पिक है वो FMCG स्पेस से है, बट नॉर्मल FMCG नहीं है, मतलब कि भारत का कोई ऐसा किचन नहीं है, ऐसा कोई घर नहीं है जहां पर इसका प्रोडक्ट यूज ना होता हो। और स्टॉक है ITC,
क्लियर कट एक रीरेटिंग का कैंडिडेट है। 2021 में तो लोग परेशान हो गए थे, 2022 वाज अ ईयर ऑफ आईटीसी, एक बेहतरीन रिटर्न दी है। और जैसा दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, कोई ऐसा किचन नहीं, कोई ऐसा घर नहीं जहां इसका प्रोडक्ट ना यूज होता हो। और अभी रिसेंटली नया मैंने एक चीज देखी कि आईटीसी भी जो टीवी एडवर्टाइजमेंट में मतलब कि भयंकर स्पेंडिंग कर रहा है, इससे पहले इतना एग्रेसिव उनको होते हुए नहीं देखा था मैंने। मतलब कि अक्रॉस प्रोडक्ट्स इसके टीवी में भी एडवर्टाइजमेंट आ रहे हैं, टेक्निकल्स अच्छे हैं, रिजल्ट्स भी अच्छे आ रहे हैं। तो आईटीसी मुझे लगता है एक साल के लिए लेके होल्ड करना चाहिए। 320 एक काफी अच्छा बेस लगता है फॉर सेफ्टी पर्पज। 320 का ऑन क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस लगाएं, 450 के टारगेट के लिए आईटीसी को एक साल के लिए लेके बाय एंड होल्ड की राय है। तो आईटीसी पर है भरोसा और ये भी है लंबी रेस का घोड़ा, 450 जैसा टारगेट बनता हुआ दिखाई दे रहा है। बट ऑफ कोर्स इस बात का ध्यान रखें कि आपको अपने प्रॉफिट्स को, अपनी स्ट्रैटेजी को प्रोटेक्ट करना है, तो 320 का स्टॉप लॉस यहां पर बंसल सर आपके लिए लेकर आए हैं। तो जैसा कि हमने शो की शुरुआत में वादा किया था, धमाकेदार रिटर्न्स देने वाले मेड इन इंडिया शेयर हम आपके लिए गणतंत्र दिवस के मौके पर खास लेकर आए हैं। हमारे सभी मेहमानों का, बंसल जी, अविनाश सर, सेठी साहब, सुमित जी, आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस शो को इतना धमाकेदार बनाने के लिए। चलिए लेते हैं हम सभी दर्शकों से इजाजत, बने रहिएगा, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। धन्यवाद।